हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th डेवलपमेंट, इसका ये नेक्स्ट लेक्चर है। एंड अभी तक आपने जो स्टूडेंट्स पढ़ा उसमें आपने देखा कि लोगों के जो गोल्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। और जब लोगों का अपना पर्सनल गोल अलग अलग है तो निश्चित रूप से पूरे देश के बारे में भी उनकी सोच अलग अलग होगी, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे देश को यानी इंडिया को डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर आप आपस में ही इस पर बात करो कि डेवलपमेंट के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर चार लोग मिलके इस बारे में बात करें, आप अपने चार दोस्तों से बात करो तो आप और आपके दोस्त एक जैसा जवाब दें, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इसमें जितने भी जवाब आएँ वो सब एक दूसरे से अलग, ठीक है। ये इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स, कि देश के डेवलपमेंट, कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग लोगों की सोच अलग भी हो सकती है या कई बार एक दूसरे के अगेंस्ट भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्या सारे के सारे जो भी सोच, जो भी विचार हों, जो भी आइडियाज़ हों, क्या उन सबको एक जैसा इम्पोर्टेंस दिया जा सकता है? क्या सारे आइडियाज़ इतने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं? अगर सपोज़ मैं कह रही हूँ कि देश में इंग्लिश एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि देश के में हिंदी या फिर जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। तो एक तरीके से ये दोनों बातें एक दूसरे के विरोध में हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, किस तरीके से एक सही और बेटर वे निकलेगा, है ना। तो ऐसे में हमें ये सोचना होगा कि किस चीज़ से पूरे देश को फ़ायदा होगा, क्या करने से लोगों को फ़ायदा होगा, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, और क्या करने से कम लोगों को फ़ायदा होगा, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नेशनल डेवलपमेंट मतलब है, तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है ये सारे क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? तो जैसे ये नेशनल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, कि क्या हो सकता है कि सभी के लिए फेयर हो और सभी के लिए अच्छा रास्ता हो, सही रास्ता हो, जस्टिस वाला रास्ता हो, न्यायपूर्ण रास्ता हो, न्यायपूर्ण तरीका हो। हमें ये भी सोचना होगा कि क्या बेहतर वे क्या है, चीज़ों को करने का बेहतर से बेहतर तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। फिर हमें ये सोचना होगा कि जो आइडियाज़ हैं, कौन से आइडिया से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इन क्वेश्चंस पे अगर हम बात करें तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर मिलके ये बताते हैं कि नेशनल जो डेवलपमेंट है वो क्या है। एक इंसान का डेवलपमेंट तो चलो ये है कि उसे अच्छा इनकम मिले, उसे अच्छा काम मिले, है ना, उसे रेस्पेक्ट मिले, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये तो एक इंसान का डेवलपमेंट गोल हो गया। लेकिन एक कंट्री का डेवलपमेंट गोल क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपसे एक बात कहूँगी, स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपसे ये कहूँगी कि एक नेशन का मतलब क्या होता है, एक कंट्री का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ अ कंट्री। कंट्री और कंट्री का जो स्टेट का जो डिफिनीशन होता है वो क्या होता है, इस डिफिनीशन में, इस कंट्री में पॉपुलेशन का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, मस्ट है। तो अगर पॉपुलेशन है तो एक कंट्री, हम कहते हैं इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, इंडिया बहुत डेवलप कर रहा है, तो इंडिया कैसे डेवलप कर रहा है, क्योंकि इंडिया के लोग डेवलप हो रहे हैं, है ना। भारत क्या कर रहा है, भारत जैसे क्रिकेट मैच हुआ तो उस क्रिकेट मैच में इंडिया जीत गया, तो इंडिया कैसे जीता, इंडिया के प्लेयर्स जीते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो कंट्री का डेवलपमेंट गोल होगा, जो कंट्री का डेवलपमेंट होगा वो सारे पूरे कंट्री को लेकर होगा, ठीक है। पूरे कंट्री को लेकर के इस डेवलपमेंट गोल को निश्चित किया जाता है, यानी पूरी कंट्री का डेवलपमेंट जो होता है वही डेवलपमेंट होता है, वही नेशनल डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पर बात ये आती है स्टूडेंट्स कि अगर डेवलपमेंट की सोच में ही इतना सारा डिफरेंस है और कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट के तरीकों में भी डिफरेंस होगा, है ना। जैसे आप टीवी पे अक्सर डिबेट्स देखते हैं, डिस्कशन देखते हैं, तो सभी कंट्री के वेलफेयर की बातें ही करते हैं, लेकिन सबके तरीके अलग होते हैं, है ना। सब अपनी अपनी बातें अलग तरीके से कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है,
कोई कहता है जैसे अभी कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी उसने एक बिल पास किया था कि आंध्र प्रदेश की तीन कैपिटल्स होनी चाहिए ताकि पावर को हम डिसेंट्रलाइज कर सकें, ठीक है। लेकिन इस ये उस गवर्नमेंट का अपना तरीका था, इसके अगेंस्ट में जो जो अपोजिशन थी उन लोगों ने कहा कि इससे तो आप बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर होता है, जो कि एक्सपेंसेस होते हैं, खर्च होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे आप, ठीक है। तो डेवलपमेंट को सोचने का, डेवलपमेंट को करने का, डेवलपमेंट के लिए अपनाए जाने वाले तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हम अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर कैसे करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर जो डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है तो फिर कुछ कंट्रीज को कैसे हम डेवलप्ड कहते हैं और कुछ को कैसे अंडर डेवलप्ड कहते हैं, ठीक है। तो इस पर हम एक एक और क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं कि जब हम दो अलग अलग चीज़ों का कंपेयर करते हैं तो उसमें कुछ कॉमन चीज़ें भी होती हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। हम इनका कंपेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब एक क्लास में हम देखें कि स्टूडेंट जितने भी बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा हम एक बेस्ट स्टूडेंट को चुनते हैं, तो उस बेस्ट स्टूडेंट को चुनने के लिए हम कुछ कुछ स्टैंडर्ड होंगे जिन पे उनको जिस पे हम ये देखेंगे कि कौन 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 से स्टूडेंट्स इस स्टैंडर्ड पे एकदम खरे उतर रहे हैं। जैसे हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स का हेल्थ कैसा है, उसका टैलेंट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, क्रिएटिविटी क्या है ना। इसके अलावा उसकी उसका जो थिंकिंग स्किल है वो क्या है, उसका वो खेल में कैसा है ना। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो स्टूडेंट इन सारे मेजर्स पे अच्छा होगा, सब पे अच्छा होगा, तो उसे हम कहेंगे कि ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट्स। वैसे ही अगर हम लोगों की का कंपेयर करते हैं तो लोगों को भी हम वैसे ही उसी तरह कंपेयर करते हैं। तो ठीक इसी तरह से कंट्रीज़ के मामले में भी यही बात लागू होती है। कंट्री को भी समझने के लिए, कंट्री के को कंपेयर करने के लिए उनका जो इनकम होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। जिन कंट्रीज़ की इनकम ज़्यादा है उन्हें कम इनकम वाले कंट्रीज से ज़्यादा डेवलप्ड समझा जाता है। स्टूडेंट्स फिर से बोल रही हूँ, वैसा कंट्री जिसकी इनकम ज़्यादा है, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आप ले लो नेपाल और एक तरफ ले लो कनाडा, ठीक है। तो कनाडा और नेपाल में हम देखेंगे किसकी नेशनल इनकम ज़्यादा है। तो अगर कनाडा की इनकम ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे, और नेपाल की इनकम कम है तो हम कहेंगे कि कनाडा जो है वो नेपाल से ज़्यादा डेवलप्ड है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जिन कंट्रीज की इनकम ज़्यादा होती है उसको कम इनकम वाले कंट्री से ज़्यादा डेवलप्ड समझा जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ इनकम का क्या मतलब है। आदमी की इनकम तो हम समझ रहे हैं कि वो जो कमा रहा है, लेकिन कंट्री की इनकम का क्या मतलब है। तो यहाँ कंट्री की इनकम का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो ह्यूमन बीइंग नीड्स है, जो मानव की, जो मनुष्य की ज़रूरतें हैं, तो मनुष्य अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ों को यूज़ कर सके, मनुष्य की ज़रूरतों यानी कि जो सिटीजन्स है उस कंट्री के जो लोग हैं उनके पास उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें अवेलेबल हो, जो चीज़ें लोगों को पसंद है वो उनके पास हो, ठीक है। और जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वो लोग अपने इनकम के द्वारा उसको प्राप्त कर सकें, उसको ले सकें, ठीक है। इसलिए इनकम अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। अब है कि एक कंट्री की इनकम क्या है। तो एक कंट्री, अब कंट्री कोई इंसान तो है नहीं, उस देश के, उस कंट्री के सारे सिटीजन्स मिलके एक कंट्री बनाते हैं। तो किसी भी कंट्री की जो इनकम है वो उस कंट्री के सारे लोगों की जो इनकम है उसी को कंट्री की इनकम कहेंगे। जैसे इंडिया की इनकम क्या हुई, तो इंडिया के जितने सिटीजन्स हैं इन सब की इनकम को मिला के हम कहेंगे कि ये इंडिया की इनकम है, ठीक है। लेकिन कंट्रीज के बीच में अगर हम कंपेयर की बात करते हैं तो केवल इनकम के आधार पे हम कंट्री को बहुत ज़्यादा डेवलप और बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड नहीं कह सकते, क्योंकि कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो तो अलग अलग है,
जैसे चाइना की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, वहीं आप देखेंगे तो यूएसए की पॉपुलेशन काफ़ी कम है ना। तो केवल इनकम की बात करके हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि केवल अगर टोटल इनकम की हम बात करेंगे तो हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि एवरेज इनकम क्या है। क्योंकि अब बताइए कि इंडिया की पॉपुलेशन 130 मिलियन है, ठीक है, अब 130 मिलियन है, और यहाँ का जो हम एवरेज इनकम निकालेंगे, अगर हम जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की पॉपुलेशन को का जो एवरेज होगा, उसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, आई थिंक 6 to 7 मिलियन के आसपास है। तो उस पर उस ब्रिटेन में जो एवरेज निकलेगा और जो इंडिया में एवरेज निकलेगा, तो उसमें हमेशा ही ब्रिटेन का एवरेज ऊपर होगा, क्योंकि वहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है। तो ये जो इनकम है, ये केवल इनकम के आधार पे हम किसी भी कंट्री को बहुत ज़्यादा डेवलप या अंडर डेवलप नहीं कह सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज इनकम के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे पर कैपिटा इनकम के बारे में, लेकिन ये सब कुछ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।